इस बारिश के समय में किसको गर्मा गर्म चाय पीने को मन कर रहा है, वो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो में आ जाए। ये कोई आम चाय नहीं बनने वाली है, बल्कि फायर चाय बनने वाली है, जो कि इस चाय को पीने के लिए बहुत से लोग बारिश के समय में भी रेस्टोरेंट में जहाँ पर ये चाय मिलती है वहाँ पर चले जाते हैं और काफ़ी पैसे देकर एक कप चाय पीते हैं। अगर ये चाय घर पर मिल जाए, वो भी बिना बारिश में भीगे हुए, बिना पैसे दिए हुए, बिना कोई मेहनत के, तो क्या बात है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला, सिर्फ 2 मिनट का होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक और निवेदन है, मेरी वीडियो में जो आवाज़ें आ रही हैं आप लोग उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरे मेहनत को देखिए और मेरी मेहनत से बनी हुई रेसिपी को देखिए, उस पर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। दोस्तों, जो मेहनत करे उसका तो सपोर्ट करना ही चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अब यहीं पर ले लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे दूध। तो हमने यहाँ पर 3 पाव दूध लिया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेरे दूध में पानी नहीं है, आप लोग के पास अगर दूध कम है तो आप लोग थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। तो अब इसमें उबाल आने लगा है, अब यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच चाय पत्ती, जो चाय की जान होती है। उसके बाद 2 तेज़पत्ते डाल देंगे खुशबू के लिए। तेज़पत्ते डालने से चाय काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और तेज़पत्ते के बहुत ही फायदे होते हैं। अगर आप लोग तेज़पत्ते वाले चाय पीते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी नींद आती है, शरीर काफ़ी हेल्दी होती है और इसकी खुशबू जो आती है चाय में काफ़ी टेस्टी आती है। तेज़पत्ते वाले चाय को पीने से कोई नुकसान भी नहीं होता है। अब यहीं पर अपने मीठा अनुसार चीनी डाल देंगे, तो आपको जितना मीठा पीना पसंद है आप लोग उतना चीनी डाल दीजिए, वैसे चाय थोड़ी फीकी ही रहती है। अब यहीं खुशबू के लिए 1 कुटी हुई इलायची डाल देंगे, चाय इससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अब इसको उबाल आने तक 1 मिनट तक ऐसे ही आने देंगे और करछी लिए रहेंगे हाथ में और ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो चाय लगभग मेरी पक चुकी है, अब इसे गैस के दूसरे चूल्हे पे रख देंगे धीमी आंच करके और तब तक यहाँ पर दूसरा काम कर लेते हैं। तो गैस को ऑन करते हैं और इस पर कुछ मिट्टी के बर्तन को हमें खूब ज़्यादा गरम कर लेना है। मिट्टी के बर्तन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरम करना है, जितना आप लोग कर पाए, जितना गरम रहेगा उतना ही टेस्टी बनके चाय तैयार होगा। तो मिट्टी का बर्तन जो था वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब चाय की आंच को धीमा करेंगे, मतलब गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर का जो उबाल आ रहा है उसे शांत होने देंगे। दोस्तों, इस चाय में हमने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे आप लोग बिना अदरक के भी बना सकते हैं। गर्म किए हुए बर्तन को शांत चाय में डाल देना है और थोड़ा दूर हट जाना, क्योंकि ये छनछनाने लगते हैं। आप लोग ने कभी ध्यान से देखा होगा, कोई गर्म चीज़ किसी पानी वाली चीज़ में पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा उबाल आती है, तो हमें हमेशा दूर रहना चाहिए ताकि छींटे उठे पड़े तो हम जले ना। अब इसे ढक करके कम से कम 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, इसका खुशबू जो है वो ताकि उड़े ना। दोस्तों, जो इसकी खुशबू आती है इतनी स्वादिष्ट आती है, मतलब क्या कहें, मन करता है कि तुरंत पी ले। जो पिया होगा, अगर आप लोग उनसे कभी इस चाय के बारे में पूछे, देखिए उसकी तारीफ उन लोग खुद ही बताएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं, इन्हें हम एक कप में छान लेते हैं। और घर की महिलाएं इसे, अगर आप लोग अपने पति, मेहमानों, आसपास के आए लोगों को बनाकर पिलाएंगे तो आप लोग तारीफ ही तारीफ बटोरेंगे, उन लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, काफ़ी चर्चित में भी आ सकती हैं कि फलाने पतैया, फलाने बिटिया बहुत अच्छा चाय बनाती हैं। तो आप लोग भी इसी तरह एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे तरफ से 100% गारंटी है। दोस्तों, अगर आप लोग इसे बनाकर एक बार पी लेंगे ना, तो आप लोग इसी तरह चाय बनाकर पियेंगे और नॉर्मल चाय बनाना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी फायर चाय, मेरी चुक्कड़ वाली चाय आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कोई प्यारा, ताकि हम पढ़ के उसे खुश हो जाए। और हाँ, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आप लोगों को धन्यवाद।